ओके okay, तो लेट्स स्टार्ट अगेन मैंने इसको रिफ्रेश करके कर लिया है तो जिस कदर बेहतर हो सकता होगा मेरे एंड में तो वो यकीन हो गया होगा आई होप कि आपके एंड में भी कुछ बेहतरी आपको फील हो रही होगी चलिए अब आप कंटिन्यू करते हैं मीनिंग आपने परेशान नहीं होना इस बात पे क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपके साथ जो है शेयर होगी लिंक जो है वो जो चैनल का लिंक है वो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है वहाँ पे इसको री कर सकते हैं अच्छा जी लेट मी यूज पेन ओके ये रहा। ओके अच्छा जी अब इफ एल स्टेटमेंट जो है ये आपके दो रास्तों में से आपके पास दो रास्ते हैं इन दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को सिलेक्ट करने के लिए किया तो आप ये रास्ता सेलेक्ट करेंगे या फिर ये करेंगे दोनों को एक वक्त में आप नहीं सिलेक्ट करेंगे दोनों में से कोई एक रास्ते को आप सेलेक्ट करेंगे ठीक है तो इसके लिए इस्तेमाल होता है लेट्स से हम इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो हम ये कहते हैं कि जी आ, हमने जो है ना आज जो है वो यूनिवर्सिटी आना है और यूनिवर्सिटी आने के लिए आ, हम जो है हमारे पास जो है वो दो रास्ते हैं उन दो रास्तों में से हम कौन सा रास्ता जो है वो उसका इंतखा करेंट से आप कहते हैं कि जी आपने चाँदी चौक से आना है तो चाँदी चौक से आने तो के हम ज्यूम करते हैं कि दो रास्ते हैं एक रास्ता वाया मरी रोड है दूसरा रास्ता वाया ईरान रोड है तो आप इन दोनों रास्तों से जो है वो सिक्स रोड पर आ सकते हैं तो अब अगर आपने इस रास्ते पर आना है तो फिर आप कौन सा रास्ता अख्तियार करें तो अब यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसकी बुनियाद पर आप ये फैसला करेंगे तो अब वो कंडीशन क्या होगी कि लेट्स से हम कहते हैं कि सूरत हाल ये है कि अगर तो मरी रोड ओपन है तो फिर हम मरी रोड से आएंगे और अगर मरी रोड ओपन नहीं है तो फिर हम ईरान रोड से आएंगे अब ये हमारे पास दो रास्ते हैं अब दोनों रास्तों में ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही वक्त में मरी रोड से भी आ रहे हो और ईरान रोड से भी आ रहे हो यानी कि एक सिंगल पर्सन एक वक्त में या तो ईरान रोड पे होगा या फिर मरी रोड पे होगा तो ये पैरल में तुम दोनों एक जगह पे नहीं हो सकते तो यही बिहेवियर आपका इफ एल्स के अंदर है है आप जो है अपनी जो कंडीशन है उसके दोनों ऑप्शन को जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं अब वो दोनों कंडीशन के ऊपर कैसे ऑब्जर्व करते हैं आप ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि जी आपने ये देखना है कि अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट चलें और कंडीशन फॉल्स होने में कोई और स्टेटमेंट चलें ठीक है और जो कुछ और स्टेटमेंट जो हैं वो कंडीशन के ट्रू होने पे नहीं चलने चाहिए तो इस काम के लिए आपका इफ़ एल्स जो है वो काम करता है और इस तरीके से करता है अभी पहले इसका जो है सिंटेक्स देखते हैं सिंटेक्स इसका कुछ ऐसे बनेगा कि आप की वर्ड यूज करेंगे इफ जिसमें दोनों लेटर स्मॉल है इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रही है और इसके दरम्यान में आपने कंडीशन बतानी होती है ठीक है इसके बाद जो है यहाँ पे देखें तो ये वही कर्ली ब्रैकेट जो कि ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है वो स्टार्ट हो रही है और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है ठीक है तो इतना हिस्सा जो आपने ये देखा है ये तो हमने स्टेटमेंट में भी देखा था तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टीज नहीं है सही है अच्छा जी अब जो है नेक्स्ट uh, जो चीज हमारे पास है यहाँ पे अगली चीज जो आ रही है वो आ रही है यहाँ पे एल्स ये एल्स जो है दैट इज अ कीवर्ड ठीक है यहाँ पे ये एल्स जो है वो क्या है कीवर्ड है अब जो ये आ, एल्स जो की वर्ड है इसके साथ भी एक ब्लॉक मिलता है और वो ब्लॉक कैसे वो चलेगा कि एल्स के बाद भी आपको जो है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज जो है वो मिलेगी और इसके दरमियान में आप कुछ स्टेटमेंट जो है वो लिख रहे होंगे मुजह लबास मैं आपको थोड़ी देर में आपके सवाल का जवाब देता हूँ ठीक है अच्छा तो ये इसका सिंटेक्स है ठीक है तो इफ के सिंटेक्स के अंदर मैंने बहुत सारी स्किप कर दी जैसे कि इफ की ब्लॉक के अंदर भी स्टेटमेंट्स होंगी और एस के अंदर भी स्टेटमेंट्स होंगी तो ये दो ब्लॉक्स आपके पास बन रहे हैं तो ये हो गया इसका बेसिक सिंटेक्स ठीक है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने इसी इसीटेक्स को फॉलो करना है और इसी इसीटेक्स को फॉलो करते हुए आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं इसके अलावा भी आपके पास इसका थोड़ा सा मिलता है जो कि मैं जानबूझ के नहीं बता रहा क्योंकि एक ऐसा अगर आपको पता हो जो कि यूनिवर्सली इस्तेमाल होता हो ज़्यादातर वही इस्तेमाल होता हो तो वही पता होना चाहिए कोई एक जगह पे कोई जगह पे कोई कोई स्मॉलर जगह चीज़ इस्तेमाल होती है जो बहुत कम इस्तेमाल होती है तो अगर वो ना भी पता हो तो वो आपके आपके जो ओवरऑल प्रोग्राम है उसके ऊपर या आपके ओवरऑल प्रोग्रामिंग है उस पर इतना इम्पेक्ट नहीं डालती ठीक है तो बादल में उसका भी जिक्र करूंगा अभी थोड़ी देर में आ, लेकिन बेसिक सिंटेक्स आपने इसी को जो है वो इस्तेमाल करना है अब इसमें ये तो हो गया इसके सिंटैक्स के बाद अब इसके बाद इसकी वर्किंग देखते हैं वर्किंग इसमें यह है कि जो आपकी कंडीशन है इन इस कंडीशन की दो सूरत हाल हो सकती हैं या तो ये ट्रू होगी या फिर ये फॉल्स होगी ये दो सूरत में से कोई एक सूर्त हाल इसमें पाई जाएगी अब जो अगर तो ये ट्रू होती है तो इस सूरत में क्या होगा इस सूरत में ये होगा जो इफ के अपना ब्लॉक है ये जो इफ का ब्लॉक है ये मैं जरा इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ ये जो इफ का अपना ब्लॉक है यहाँ भी आपको कमेंट हुआ हुआ नजर आ रहा है लेकिन ये एरिया जो ब्लॉक है वो इफ का ब्लॉक है ठीक है तो ट्रू होने की सूरत में इफ का अपना ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा ठीक है तो आपको ट्रू की हालत में ये पता चलना चाहिए कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है कौन सी नहीं हो रही तो ट्रू की सूरत में इफ की ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही इसके मुकाबले में जरा आप दूसरे ऑप्शन को देखें दैट इज फॉल्स अगर ये फॉल्स होता है तो फॉल्स होने की सूरत में क्या होगा जो एल्स का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा ठीक है ये मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये एग्जीक्यूट होगा हो 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 तो ये अल्टरनेटिव वे में काम करते हैं कि एक जगह पे या तो एक इस्तेमाल हो रहा होता है या फिर जो है दूसरा इस्तेमाल होता है एक दूसरे को स्विच कर रहे होते हैं तो इस तरीके से ना ये कहलाता है आपके पास इफ एल्स अब जरा इसको हम व्यू करते हैं इसके फ्लो डायग्राम से कि फ्लो डायग्राम में काम कैसे होगा तो इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास है एक कंडीशन ठीक है अब इस कंडीशन में दो रास्ते हैं इन दो रास्तों के ऊपर भी आपके पास क्या हो गया आपके पास कुछ प्रोसेस आ गए ये भी कोई प्रोसेस आ गया है और ये भी कोई प्रोसेस आ गया तो अगर दोनों रास्ते में अलग अलग कोई प्रोसेस आ गया है तो इसका मतलब ये है कि एक रास्ते में आप कुछ एक तरह का, का काम कर रहे होंगे दूसरे रास्ते में कोई दूसरे तरीके का काम कर का 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 रहे होंगे तो इसमें देखें ट्रू होने की सूरत में आपके पास स्टेटमेंट जो है वो इफ की प्रोसेस वाली होती हैं और फॉल्स होने की सूरत में एल्स वाली बॉडी की जो प्रोसेस हैं वो परफॉर्म होती हैं और उसके बाद रिमेनिंग जो है आपका फ्लो रिमेनिंग प्रोग्राम को फॉलोअप कर रहा होता है ठीक है तो ये हो गया जी फ्लो ऑफ इफ एंड एल्स अब जरा आते हैं और ऑब्जर्व करते हैं इसको एक एग्जाम्पल से तो जी जी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें आप देखें तो मेन मेथड में आके हम यहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं मेमोरी नेम नंबर ठीक है तो ये हमारे पास एक मेमोरी जो है वो क्रिएट हो रही है ठीक है अच्छा जी अब ये uh, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें यहाँ पे आप लिख रहे हैं एंटर एन इंटीजर तो लड़ से हम इसको लेके चलते हैं आउटपुट वन के लिहाज से ठीक है तो यहाँ पे आउटपुट पे लिखा है एंटर एन इंटीजर और इसके बाद जो है अगली स्टेटमेंट देखे तो यहाँ पे एक वैल्यू हासिल की जा रही है मेमोरी नंबर में तो यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके पास जो है वैल्यू फोर ये फोर वैल्यू जो है वो मेमोरी नंबर को असाइन होगी यानी का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास फोर आ जाएगा अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखें तो ये इफ एल्स का ब्लॉक आपके सामने है इफ एल्स की स्टेटमेंट आपके सामने इफ एल की स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे एक ही कंडीशन लगी हुई है ये और ये कंडीशन इफ के साथ लगी हुई है क्या एल्स के साथ कोई कंडीशन लगी हुई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लगी हुई तो एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगी हुई तो ये किस कंडीशन पे काम करता है ये इफ के साथ जो लगी हुई कंडीशन है ये उसी के ऊपर रिस्पॉन्स करता है ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम है या पहला आउटपुट है जो एग्जाम्पल किया है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है नंबर की फोर अब ये जो आपके पास कंडीशन लगी हुई है ये कंडीशन क्या करती है ये चेक करती है कि अगर वैल्यू जो मेमोरी में पड़ी होगी वो जीरो से या तो ग्रेटर हो या उसके बराबर हो तो हाँ। उस सूरत में ये इस वाले स्टेटमेंट uh, को इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती है ठीक है क्योंकि में ये ये क्या हो जाएगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी ट्रू होने के ब्लॉक में तो यहां पे ये इसलिए हो है, क्योंकि फोर जो है जीरो से तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने के वक्त में क्या होगा इफ की जो ब्लॉक के स्टेटमेंट है दैट इज सी आउट स्टेटमेंट जो कि मैंने अभी हाईलाइट किया आपके सामने मार्क की है तो ये आपके पास जो है वो एग्जीक्यूट होगी आपके पास आ जाएगा आउटपुट पे यू एंटरड पॉजिटिव इंटीजर तो यहाँ पे देखें आपके पास आउटपुट पे क्या लिखा आ गया यू एंटरड पॉजिटिव इंटीजर और इसके बाद इन ऑपरेटर के बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट करवा ली है और ये आपको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होती हुई नजर आ रही है कि वो वैल्यू फोर आपको आउटपुट पे आ गई है अच्छा जी अब जो है अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई है तो इस सूरत में एल्स के साथ क्या होगा एल्स के ब्लॉक के साथ क्या होगा जी जी एल्स के साथ जो है वो ये होगा कि एल्स के ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा ठीक है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो तो कि इसमें कोई काम हो रहा है तो वो काम परफॉर्म नहीं होगा और इसके बाद रिमेनिंग देखिए तो यहाँ पे आ, हमने एक प्रिंट आउट कर लिया है इसलिए किया है क्योंकि आपको ये भी याद रहे कि जो इफ और एल्स के ऊपर रहकर हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं होता इसके बाद भी हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू हो सकता है तो रिमेनिंग जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी इफ और एल्स के ब्लॉक के अंदर की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर जो है ये जो कंडीशन है वो उसके ऊपर काम परफॉर्म करेगी ठीक है तो ये हो गया हमारे पास एक एग्जाम्पल के साथ एक आउटपुट के साथ हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया अब जरा हम जो है दूसरी एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं इसको हाँ जी अब जरा दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम ये एग्जाम्पल देखें तो इसके लिहाज से हमने मैसेज दिया एंटर एन इंटीजर और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं सी इन नंबर और नंबर में जो हमें वैल्यू रिसीव हो रही है तो इसका मतलब कि मेमोरी में वैल्यू क्या होगी माइनस फोर होगी अब इसके बाद ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ गया और इसमें इस स्टेटमेंट आ गई इस स्टेटमेंट के अंदर आके हम यहाँ पे करते हैं जी माइनस फोर ग्रेटर और इक्व टू जीरो तो अब इसको अगर हम चेक करें तो ये देखें माइनस फोर जो है वो जीरो से ग्रेटर नहीं है फिर दूसरा हम अगर इसमें और लगावे क्योंकि ये ग्रेटर और और का सिंबल है तो अगर हम इक्वल को चेक करें तो इक्वल का अगर हम देखें तो ये इक्वल भी नहीं है तो इस लिहाज से ये दोनों सूरत हाल जो इसमें मिलती इस वाले ऑपरेटर में ये उसके लिहाज से जो है वो इनवैलिड हो गया ठीक है तो इस सूरत में ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा ये रिटर्न करेगा अब इसने क्या कर दिया फॉल्स रिटर्न किया फॉल्स रिटर्न करने की स्टेटमेंट जो है लेकिन इसके फॉल्स होने पे क्या होगा एल्स की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और आपके पास आ जाएगा आउटपुट पे यू नेगेटिव इंटीजर तो यहाँ पे देखें आपको ये लिखा हुआ इंटीजर और इसके बाद जो है उसके नंबर की वैल्यू आ रही है और इसके बाद जो है यहाँ पे देखें तो इसकी रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ कोड रह गया है वो ब्लॉक के बाहर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि अल्स के बाद अगर हमने कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो उसमें मसला तो नहीं होगा तो देखें यार ये जो ये वाली स्टेटमेंट है इन लास्ट में ये वाली ये तो ऐस के बाद ही लिखी हुई है ना एस के ब्लॉक के बाद तो इसको लिखने में तो कोई मसला नहीं हुआ इसने बिल्कुल सही काम परफॉर्म किया जी अगर ये ना लिखो तो अच्छा अगर आप ये ना लिखो तो तब भी कोई मसला नहीं है यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि आपके बाद भी आप अगली स्टेटमेंट लिख सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं मतलब उस तो पे आपको प्रॉब्लम यहाँ पे क्लोज हो जाता है खत्म हो जाता है इसके बाद जरूरत नहीं है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है यहां से समझाने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है ओके जी। ओके अब मैं आपको लेके चलता हूं जी यो स्टूडियो पे ओके कहा से आएगा हाँ जी आ गया अच्छा जी ये मेरे सामने वीडियो स्टूडियो ओपन हो गया और इस वीडियो स्टूडियो के अंदर आपको एक प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये प्रोग्राम जो है वो इफ एल्स की चीजों को हैंडल करता है तो इसके अंदर मैं इधर आपको चीजें इधर समझा दूं कि ये प्रोग्राम है किस काम के लिए तो ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूजर से कुछ मालूम लेता है मालूम तो वो लेगा ये कि वो एक रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हासिल करेगा ठीक है लेंथ और फिर्थ के लिए आप उसको बैर्थ भी बोलते हैं तो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हासिल करेगा अब इसकी वैल्यू के बेस पे हम जो है ये बताएंगे कि जो ये रेक्टेंगल है क्या ये स्क्यर भी है ठीक है अगर एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्र भी हो सकता है अगर उसकी लेंथ और ब्रथ बराबर हो और फिर या फिर हम यह बताएंगे कि ये बताएंगे की ये स्क्वायर नहीं है तो इतना सा हमने काम करना है और इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि इफ और ब्लॉग के ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होती बल्कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं ठीक है थीके? अच्छा तो इसके अलावा यहाँ पे आ, एंड में आके कुछ और भी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ तो कमेंट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के ठीक है तो उसकी शर्त जो है वो ये होती है कि आपने करना ही होता है कि आपने जितने इसे को कमेंट करना है उतने को आपने सेलेक्ट करना होता है उसके बाद आप कंट्रोल के दबाते हैं जब कंट्रोल के दबाते हैं तो देखें नीचे आपको यहाँ पे कंट्रोल के वाज प्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि ये स्पेशल की फंक्शन जो है उसने परफॉर्म करना है खास किस्म का काम करना है तो कंट्रोल के प्रेस करना है उसके बाद आप कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो इसको ये पता चल जाता है कि इसने क्या काम करना है इसने कमेंट करना है तो ये इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं तो ये हो गया आपके पास आ, कमेंट अब जरा मैंने यहाँ पे कमेंट कर लिया अगर थोड़ा प्रोग्राम को आपके सामने व्यू करवा लूँ तो यहाँ पे देखें मैंने तीन मेमरीज बनाई हुई है लेंथ ब्रेथ और इसके अलावा हाइट और हाइट को मैंने वैल्यू यहाँ पे दी हुई टेन ठीक है तो हाइट जो है वो मैं लास्ट पोर्शन में काम कर रहा था तो आपको यहाँ पे जो है बाकी हिस्से में आपको हाइट का इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा तो कोई बात नहीं इसके बाद हम मैसेज एक डिस्प्ले करें एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ठीक है तो ये मैसेज आउटपुट पे आ जाएगा फिर इसके बाद हम जो है इनपुट ले रहे लेंथ की भी और बर्थ की भी सिंगल स्टेटमेंट में ठीक है जी कमेंट के लिए हम ऊपर आइकन से भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो ये मैंने शॉर्ट की बताई है आपको कंट्रोल के कंट्रोल सी हाँ जी तो इसके बाद जो है यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाया द लेंथ और इसमें लेंथ की वैल्यू शो हो जाएगी द ब्रेथ और ब्रर्थ की वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी इसके बाद हमने यहाँ पे इफ एल्स का इस्तेमाल किया है इफ़ एल्स के अंदर हम जो है वो लेंथ को और ब्रेथ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो बराबर हैं तो हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर बराबर होंगी तो उसका मिला है वह स्क्यर होगा ठीक है स्केयर स्क्वेयर इज ऑल्सो रेक्ट एंगल बट

तो ये देखें नीचे बिल्ड हो रहा है बिल्ड स्टार्टेड ओके तो ये बिल्ड हो गया अब इसके बाद मैं इसको रन करता हूं जी ये मेरे पास रन हो गया है अब मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ जी ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई है अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखता हूँ जी तो पहले हम जो है वो एक ट्रू कंडीशन को देखते हैं तो मैंने इसकी लेंथ जो है वो बताई है 120 फिर मैंने स्पेस दबाई और फिर मैंने दोबारा से वन बताई और एंटर दबाया तो इसमें जो लेंथ है पहला वन लेंथ को रिसीव हो जाएगा दूसरा वन ट्वेंटी ब्रेथ को रिसीव हो जाएगा और मैंने एंटर दबाया तब ये देखें यहाँ पे आ गया द लेंथ 120 ट्वेंटी द ब्रेथ वन और उसके बाद बेस पे जो है वो कंडीशन ट्रू हो रही थी तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है दिस इज अ दिस इज रेड इन कलर एरिया ऑफ इज 14 uh, 1000 बल्कि 14400 और इसके बाद आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू ओके okay, अभी क्विकली जो है मैं आपको लेके चलता हूं जी विजल स्टूडियो पे और इसके बाद हम इसको दोबारा रन करते हैं फिर से मैं आपको इसकी आउटपुट पर लेकर चलता हूँ ये जी इसकी आउटपुट आ गई यहां पे आके मैं वैल्यू चेंज करता हूँ इसकी मैंने लेंथ रखी और बिथ इसकी मैंने वन ट्वेंटी रखी बैठ इसकी एंटर दबाया तो देखिए लेंथ इसकी आ गई जी वन थर्टी इसकी आ गई वन ट्वेंटी